दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती आ गई है मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस की YouTube प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों लड्डू बांट दीजिए, मिठाई बांट दीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूं। आप इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय से कि GDS की भर्ती कब आएगी, और इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। एकदम ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, एंड अब आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके। आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, कब कैसे फॉर्म अप्लाई होंगे, कौन से अलग बदलाव किए गए हैं साइकिल 5 GDS नई भर्ती में। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपका प्यार चाहता हूं, लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके तो देखिए, यहां पर सच्चाई ही सच्चाई की खुशबू आपको मिलेगी। ध्यान दीजिए, इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS साइकिल 5 रिक्रूटमेंट 2023 का जारी हो चुका है। पहला रिक्वायरमेंट है भाई साहब, साल 2023 में दो बार भर्ती आनी है, पहली भर्ती आ चुकी है और दूसरी भर्ती जून और जुलाई में आ रही है। अगर आपकी 18 साल कंप्लीट नहीं हुई है तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, यहां ध्यान दीजिए। यह जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह एकदम रियल है, सच्चा है, फैक्ट है। यह जो नोटिफिकेशन आया है डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है, यह 24 जनवरी को जारी हुआ है। आप कहोगे सर ऑफिशियली वेबसाइट पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि विभागीय ये अभी जारी हुआ है, जो भी डाक के कर्मचारी है, जो भी अधिकारी गण है, उनके अंदर ही कहीं ना कहीं आपस में भिजवाया जा रहा है। लेकिन हम तो आप सब जानते हो, बच्चे हमसे इतने प्यार करते हैं, GDS के पद पर जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने हमें रात में ही भेज दिया था ये नोटिफिकेशन, और मैंने सबसे पहले YouTube पर आपको बताया था, रात के 12:15 बज रहे थे, मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों को यह सूचना दी थी कि भाई साहब नोटिफिकेशन आ गया है, कहीं ना कहीं खुशी मना लीजिए। और मैंने ये भी बोला था कि थोड़ा मुझे डाउट है इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्या पता गलत हो, गलत नहीं है। आखिर दोस्तों खुशी मिल गई है बहुत बड़ी। आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। टोटल पोस्ट के बारे में अभी जिक्र नहीं किया गया है, एक दो दिन में मालूम चल जाएगा सर्कल वाइज। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा दोस्तों, मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हो, बता दूंगा सब कुछ। 27 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं भाई साहब साइकिल 5 GDS भर्ती के, और अंतिम तिथि 16 फरवरी है। कम समय में दिया जा रहा है इस बार, एक महीने का टाइम भी नहीं है, तो आप 16 फरवरी से पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना। एंड दोस्तों इस बार सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, अगर आप जाने अनजाने में फॉर्म में कोई गलती कर देते हो तो उसमें सुधार कर सकते हो, फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो 17 फरवरी से 19 फरवरी, यानी कि आपको 17, 18, 19 तीन दिन का समय मिलेगा फॉर्म को सुधारने के लिए। बहुत बढ़िया है दोस्तों, मौका दिया गया है, पहली बार बनना GDS में ऐसे नहीं होता है त्रुटि सुधारने का। एंड रिजल्ट के बारे में भी बताया गया है कि फरवरी में रिजल्ट जारी हो जाएगा तीसरे और चौथे वीक यानी कि सप्ताह के अंदर। तो दोस्तों आपको सब पता है GDS की बहुत फास्ट प्रोसेस चलती है, ठीक है। और क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में देखिए, किसी भाई के पास अगर कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जब फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम कुछ भी नहीं चाहिए, बस 10वीं क्लास की परसेंटेज चाहिए। एंड दोस्तों सिलेक्शन में भी कुछ चेंज नहीं किया गया है, केवल 10वीं की परसेंटेज को देखकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, कोई एग्जाम्स वेबजाम्स नहीं होगी। एंड दोस्तों ये भी बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे और उनकी दो दो फोटो कॉपी करवानी पड़ेगी, और आपको DB के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आइए और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं,
दोस्तों जिंदगी बन गई है, हम तो अमीर आदमी बन गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते रहते हैं सर जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी बहुत कम है, नया नोटिफिकेशन में देखिए भाई साहब जिंदगी बन गई है। सैलरी के बारे में जिक्र किया गया है नोटिफिकेशन में कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 रुपये से 29,380 रुपये तक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार सैलरी आपकी नई बनेगी। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 10,000 से 24,470 रुपए है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बड़ा हमें बदलाव देखा गया है। एंड दोस्तों क्वालिफिकेशन तो आपकी 10वीं पास रहेगी, ऑल इंडिया कहीं से भी आपने 10वीं पास कर रखी है, परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होगा। एज लिमिट भी आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष है। एक और बात बताऊं, फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 16 फरवरी तक आपकी आयु सीमा 18 वर्ष हो जाना जरूरी है। अगर एक भी दिन का डिफरेंस आ गया तो आपको जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। और 18 साल में कुछ ही दिन बाकी है, 16 फरवरी तक नहीं हो रहे हैं, तो नेक्स्ट जून के लिए तैयार हो जाइए, दूसरे रिक्वायरमेंट में आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ओबीसी से 18 से 40 वर्ष की आयु है, एससी एसटी वालों 18 से 45 वर्ष की आपकी आयु चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। एंड दोस्तों 10th क्लास में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट से पास होना जरूरी है, इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट पढ़ी होनी जरूरी है, तो ये सब पढ़ते ही है। बाकी लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिस भी राज्य के आप रहने वाले हो आपने उस राज्य की लोकल भाषा 10वीं क्लास में पढ़ी है या नहीं पढ़ी। जैसे कि राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है और आपने 10वीं क्लास में हिंदी पढ़ी है तो कहीं ना कहीं मान्य है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए। अब आपको वहां यह बताना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय कि मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपसे पहले फॉर्म अप्लाई करते समय यही मांग रहे हैं, डीबी में मांग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा ही लीजिए, समय बहुत कम है। अब नहीं है तो आप कहीं से इधर उधर से बनवा सकते हो, बेहतरीन चांस है दोस्तों। आंखों में आंसू आ गया जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया, भाई साहब जिंदगी बन गई, मेरा इसमें फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आपका ही फायदा है दोस्तों। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जीडीएस भर्ती का, आखिर वो इंतजार समाप्त हो चुकी है। अब हमें प्लानिंग करनी है कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कितनी परसेंटेज वालों को करना है, कौन से सर्किल से कितनी वैकेंसी आ रही है, सब कुछ हमें 27 जनवरी को मालूम चल जाएगा। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की छोटी सी छोटी बातें आपको मैं बताऊंगा इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती को लेकर। कहीं नहीं मिलेगी जानकारी, अभिषेक क्लासेस पर मिलेगी। और सबसे पहले मैंने अभिषेक क्लासेस के जरिए रात को ही बता दिया गया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है जीडीएस का। अब कॉपी कर रही है दुनिया हमारी कि आ गया है जीडीएस का नोटिफिकेशन। अरे भाई कॉपी क्यों करते हो, हमने तो रात में ही कहीं ना कहीं जो है रायता फैला दिया, आप तो रायते के बाद में कहीं ना कहीं हमारी कॉपी कर रहे हो। कोई बात नहीं दोस्तों, आइए इस 2023 में सरकारी नौकरी लेंगे और मां बाप का सपना पूरा करेंगे। जीडीएस की नौकरी कहीं ना कहीं इस बार लेनी है, प्लानिंग के साथ कुछ ना कुछ हमें पूरा प्रोसेस करना है। अभी तो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियली 27 जनवरी को, वेबसाइट पर सब कुछ आ जाएगा और हम जो है चर्चा करते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।